गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहले हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने सम वाला फॉर्मूला दिया था, अब हम उसको यूज करेंगे यहाँ पर। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस, आपको एक सीक्वेंस गिवन है, क्या है वो सीक्वेंस, ए प्लस 8888 अप टू 100, आपको इस सीक्वेंस का सम फाइंड करना है। अब देखो ये जीपी में नहीं है ना ही ये एपी में, ठीक है, तो पहले हम इसे जीपी या एपी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या होता है, 8 यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्योंकि सभी नंबर 8 से डिविजिबल है। 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस अप टू 100, अब इसको 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए आर की पावर एन यानी कि 10 की पावर एन माइनस 1 बाई 10 माइनस 1 माइनस एन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, 8/9 10 की पावर एन माइनस 1 10 माइनस 1 9 माइनस एन, एलसीएम ले लेते हैं 8/9 9 एलसीएम आ गया, 10 की पावर 10 माइनस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर 8/81 9 9 81 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9, ये सब आ गया एकदम उसका क्लियर है। पहले आपको एक सीक्वेंस गिवन थी 8888 8888 अप टू n टर्म, आपको इसका सम फाइंड करना था। हमने देखा ये सीक्वेंस ना तो एक है ना ही जीपी है, लेकिन इनमें से एक कॉमन आ रहा है तो हमने एक को कॉमन लिया। अब ये कोई सीक्वेंस नहीं बनी एक है जीपी की, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड किया, अब हमने सबको लिखा 10 माइनस 1 100 माइनस 1 1000 माइनस 1 10000 माइनस 1, अभी नंबर्स को अलग से लिखा 1.10 ऐड करके एन, यहाँ पर ये जीपी बन गया। उस फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन रेशियो इज 10, तो यहाँ पर जीपी के सम का फॉर्मूला बताया गया, ऐसे हम लेकर आपके पास सम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2, 4, 8, 16, 32 एंड 128, 32, 8, 2 and 1/2। यानी दो सीक्वेंस गिवन है आपको, इन दोनों सीक्वेंस की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, देन एक जो सीक्वेंस आएगी उसका सम फाइंड करना है। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 128 को मल्टीप्लाई किया, 2 8 16 2 2 4 5 2 1 256, देन 4 से 32 को मल्टीप्लाई किया 128, 8 से 8 को किया 64, 16 से 2 को किया 32, देन 32 को 1/2 से किया 60। अब ये जीपी बन गई, 5 टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4 5, दैट इज एन हो गया 5, ए हो गया 256 और आर 128/256, दैट मीन्स 1/2 आर की वैल्यू आ गई। आपको एस एन फाइंड करना है, आर इज लेस देन 1 तो ए
ए वन माइनस आर की पावर एन बाय वन माइनस आर, 256, वन माइनस वन बाय टू की पावर फाइव इज 32, वन माइनस वन बाय टू इज वन बाय टू, 256 एलसीएम आया है नंबर 32, 32 माइनस वन और ये वन बाय टू तो 2/1, अभी कैंसिल करते हैं 16 into 31, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 16 into 16, 48 + 48, 496, तो सम ऑफ फाइव टर्म्स क्या आ गया 496, क्लियर है? आपको दो सीक्वेंस गिवन थी, उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करना था, तो जो नई सीक्वेंस बनेगी उसका सम फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, फिर लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, एक जीपी बन गई, उस फर्स्ट टर्म इज 256, कॉमन रेशियो इज 1/2, ऐसे इनका फॉर्मूला अप्लाई किया, ऐसे हम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 9 एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन 4 बाय 18, यानी अब आपको फोर नंबर फाइंड करनी है, वो चारों नंबर के हैं जीपी में है, लेकिन उसके लिए कंडीशन आपको गिवन है, एक तो क्या A3 A1 से 9 ग्रेटर है, यानी A3 माइनस A1 इज इक्वल टू 9 एंड सेकंड कंडीशन इज सेकंड टर्म यानी A2 इज ग्रेटर देन 4 यानी कि A4 इज इक्वल टू 18। अब आपको पहले A और R फाइंड करना है, हम वैल्यू पुट करते हैं, A2 यानी कि सॉरी A3 यानी AR स्क्वायर, A1 A इज इक्वल टू 9, A2 यानी AR माइनस A4 AR क्यूब इज इक्वल टू 18। अब फर्स्ट इक्वेशन से A कॉमन लेते हैं तो R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9, यहां से माइनस AR कॉमन लेते हैं तो यहां पर R स्क्वायर माइनस 1 बाय माइनस ए आर आर स्क्वायर माइनस 1 9/18, ये कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल, 9 से 18 कैंसिल, दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया 1/-r इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन r इज इक्वल टू माइनस 2, आर की वैल्यू माइनस 2 आ गई, अब हमें ए फाइंड करना है तो हम इस इक्वेशन पुट कर लेते हैं, ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9, आर की वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9, 4a माइनस ए इज इक्वल टू 9, दैट मींस 3a इज इक्वल टू 9 और a इज इक्वल टू 3। अब a और r है हमारे पास तो a1 यानी a 3, a2 यानी a इंटू आर, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, a3 माइनस 6 इंटू माइनस 2 12 एंड A4 12 इंटू माइनस 2 माइनस 24, तो वो चारों नंबर क्या आ गए 3 - 6 = 12 एंड -24। आपको चार नंबर फाइंड करने थे जो एपी में है, कंडीशन की थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 9 एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18, तो इन दोनों कंडीशन को हमने वैल्यू पुट की, कॉमन लेकर हमने डिवाइड किया, वहां से आर की वैल्यू आ गई, आज मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो ये ए आ गया, जब ए और आर है तो आप चारों टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट टू नंबर बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी, यानी आपको 3 और 81 के बीच में दो नंबर इंसर्ट करने हैं तो वहां से जो सीक्वेंस बनेगी वो जीपी में होनी चाहिए, ठीक है? इसका मतलब अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर आया वो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जैसे अर्थमेटिक मीन था दो नंबर ए और बी गिवन थे तो अर्थमेटिक मीन क्या होता था a+b/2, वैसे अगर ए और बी दो नंबर हैं तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा a(b)(1/2, जितने नंबर होंगे उतनी पावर बाय 1/2, फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर होते तो 1/2, तो अब यहां पर सेम आपको कैसे करना है, दो नंबर की बन है 3, 81, इनके बीच में आपको दो ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर इंसर्ट करने हैं, दो ज्योमेट्रिक मीन g1 g2,
अभी आपके पास एक सीक्वेंस हो गई, उस फर्स्ट टर्म इज थ्री, ये कौन सी टर्म होगी, फोर्थ टर्म, जितने ज्योमेट्रिक में हम इंसर्ट कर रहे हैं दैट प्लस टू, तो ये दो ज्योमेट्रिक में इंसर्ट किया तो टू प्लस टू, दैट मीन्स ये कौन सी टर्म होगी, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म इज 81, ए फोर का फॉर्मूला ए इंटू आर की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 81, ए की वैल्यू 3 है, आर की पावर 3 इज इक्वल टू 81, थ्री उधर डिवाइड हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 81 बाय 3 27, दैट मीन्स आर क्यूब इज इक्वल टू 27, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू आ गई 3, आपके पास ए भी है और आर भी है, तो हम ये दोनों टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, जी वन यानी कि सेकंड टर्म ए इंटू आर की पावर जो वैल्यू होगी उतनी ही आर की पावर, ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू भी 3 है, थ्री थ्री 9, जी टू यानी कि ए इंटू आर की पावर 2, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 27, जो यहां पे है उतनी ही पावर क्यों आई आर की, क्योंकि ये जी वन है यानी फर्स्ट ज्योमेट्रिक में, बट ये सीक्वेंस की तो सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 माइनस 1, तो ज्योमेट्रिक में ऑटोमेटिकली जितना यहां पर नंबर आएगा उतनी ही आर की पावर आएगी, क्लियर, तो ये दोनों नंबर्स आ गए और हमारी सीक्वेंस जो है वो जीपी में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन बाय ए की, सॉरी ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन बाय ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यानी ये जो आपको गिवन टर्म है दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अभी बताया था ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो नंबर का जब आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे, आपको गिवन है ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन बाय में ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, तो द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ए की पावर 1 बाय 2 के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन बाय में ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर 1 बाय 2 इंटू बी की पावर 1 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, जब ए की पावर एन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी बेस से में पावर एड हो जाएगी, एन प्लस वन बाय टू बी की पावर वन बाय टू, प्लस जब बी की पावर एन मल्टीप्लाई होगा तो बी की पावर एन प्लस वन बाय टू ए की पावर वन बाय टू, जो ए की पावर हाइएस्ट वाले हमको लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं, जो बी की पावर हाइएस्ट वाले हमको राइट साइड पर, दैट मीन्स ए की पावर एन प्लस वन माइनस ए की पावर एन प्लस वन बाय टू बी की पावर वन बाय टू इज इक्वल टू बी की पावर एन प्लस वन बाय टू ए की पावर वन बाय टू माइनस बी की पावर एन प्लस वन। अब यहां से ए की पावर एन प्लस वन बाय टू कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट में रहेगा ए की पावर वन बाय टू माइनस बी की पावर वन बाय टू इज इक्वल टू, यहां से बी की पावर एन प्लस वन बाय टू कॉमन आएगा, यहां पर आएगा ए की पावर वन बाय टू माइनस बी की पावर वन बाय टू, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ए की पावर एन प्लस वन बाय टू ए की पावर वन बाय टू माइनस बी की पावर वन बाय टू डिवाइडेड बाय बी की पावर एन प्लस वन बाय टू ए की पावर वन बाय टू माइनस बी की पावर वन बाय टू इज इक्वल टू वन, कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं ए बाय बी की पावर एन प्लस वन बाय टू और यहां पर वन है तो लिख सकते हैं ए बाय बी की पावर जीरो, क्योंकि किसी की पावर जीरो हमेशा वन के इक्वल होती है, जब हम कंपेयर करेंगे तो एन प्लस वन बाय टू जीरो के इक्वल आ गया, दैट मीन्स एन की वैल्यू आ गई माइनस वन बाय टू, क्लियर, कैसे करना था क्वेश्चन, आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है यानी रूट ए बी के इक्वल, रूट का मतलब पावर वन बाय टू, दोनों की पावर को अलग अलग से लिखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो ए की हाईएस्ट पावर थी उनको लेफ्ट साइड में, जो बी की हाईएस्ट पावर थी उनको राइट साइड में, लेफ्ट वाले में ए की पावर एन प्लस वन बाय टू कॉमन, राइट वाले में बी की पावर एन प्लस वन बाय टू कॉमन, डिवाइड में आ गया, कैंसल होकर वन को लिखा ए बाय बी की पावर जीरो, पावर इक्वल की वैल्यू वन बाय माइनस वन बाय,
क्लियर। तो यहां पर आपका जीपी कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।